हाथीगांव कर्मचारी अधिकारी महासंघ और प्राइवेट स्कूल संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा प्रशासन और पुलिस को अजाक संघ के अध्यक्ष के खिलाफ विरोध ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, हाथीगांव में राजेंद्र सोनी बीआरसी के पद पर पदस्थ हैं। उनके विरुद्ध उनके अधीनस्थ शिक्षक विजय पवार द्वारा झूठी शिकायत का आवेदन थाने में दिया गया था। विजय पवार अजाक संघ के अध्यक्ष है। झूठी शिकायत से बीआरसी और संबंधित कर्मचारियों में आक्रोश है। शिकायतकर्ता के विरुद्ध विभागीय अधिकारी को धमकाने, प्रताड़ित करने का नियम अनुसार कार्रवाई की मांग की गई है। थाना प्रभारी मुकादी ने बताया कि कर्मचारी संघ के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। पूर्व में हमें अजाक संघ की ओर से ज्ञापन मिला था, दोनों की जांच की जा रही है। सर, आज एसडीएम साहब और थाना प्रभारी जी को किस विषय में आवेदन दिया गया? आज एसडीएम साहब और थाना प्रभारी को हमारे साथी ब्लॉक समन्वयक श्री राजेंद्र सोनी जी, जिनका जो आवेदन इसलिए दिया गया है कि उनके विजय पवार अजाक संघ के तहसील अध्यक्ष है, जिन्होंने झूठी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग सोनी जी ने करा, इस विषय में उन्होंने आवेदन थाने में दिया है। जबकि मेरे को लगता है कि झूठी शिकायत है और निराधार है। ठीक सर, थैंक यू। कर्मचारी संघ और प्राइवेट स्कूल संस्था के द्वारा कोई आवेदन दिया गया? अभी कर्मचारी संघ शिक्षकगण द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें बीआरसी राजन सोनी के विरुद्ध की गई रिपोर्ट पर तत्काल बिना जांच कार्रवाई न करने के संबंध में लिखा है। इस संबंध में हमें 22 तारीख को एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच सब इंस्पेक्टर राठौर द्वारा की जा रही है। पूर्व में भी दिनांक 6 मई को अजाक संघ द्वारा एक आवेदन यही बीआरसी राजन सोनी को दिया गया था, उसकी भी जांच की गई है, उसमें कोई अपराध घटित होना नहीं पाया गया। इस आवेदन पर भी हम जांच के उपरांत ही जो उसमें आएगा उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करेंगे। ठीक, थैंक यू। और जिला प्रशासन से कि आप जो जांच है उसको निष्पक्ष रूप से आप जांच करें। अगर कार्रवाई इन्होंने अगर उनको अपशब्द कहे हैं तो निश्चित तौर से कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जहां तक हमारा मानना है, और भी हमारे साथ जो कर्मचारी लोग हैं जिनको अजाक संघ से जो संबंध रखते हैं, वो लोग भी सब हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये गलत जो है कि सूचनाएँ हैं, गलत इन्होंने झूठी रिपोर्ट डाली है। वो लोग भी इस चीज़ को मानने को तैयार है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा और ये चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जातिवाद का जहर ना घोला जाए, जिससे कि हम एक दूसरे के दुश्मन बने। और निश्चित तौर से अगर इस तरह का माहौल हमारे क्षेत्र में होता है तो बहुत ही निंदनीय है, हम इसकी अवहेलना करते हैं। चाहूंगा कि सभी संगठन मिलकर के और सभी समाज के वर्ग इस ओर ध्यान दें। धन्यवाद।